किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार देने वाले नूजी बीजू कंपनी का हाइब्रिड धान राजा NPH 369 के बारे में। यह कम अवधि का धान है। ऊँचाई वाले खेत जहाँ पानी नहीं रुकता, मौसम की अनियमितता के कारण बारिश बहुत कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में लगाने के लिए बहुत बढ़िया किस्म का धान है। राजा NPH 369 के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। किसानी से संबंधित वीडियो YouTube पर सबसे पहले देखने के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर भी करें। किसान भाइयों, नूजी बीजू कंपनी का राजा NPH 369 हाइब्रिड किस्म का मध्यम मोटा धान है जो 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाता है। इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 85 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। पौधे की ऊंचाई औसत होने के कारण गिरने के प्रति सहनशील है, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहता है। इसके पौधे में उत्पादित कल्लों की संख्या अन्य किस्मों की तुलना में अधिक होती है। इसकी बाली लंबी एवं गुच्छेदार होती है। बाली में दानों की संख्या अधिक होने के कारण यह सामान्य दशा में भी 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार दे देता है। राजा NPH 369 BLV रोग यानी जीवाणु झुलसा रोग एवं ब्राउन स्पॉट यानी पत्ती धब्बा रोग के प्रति भी सहनशील है। सूखे के प्रति भी सहनशील है, यानी मौसम अनुकूल न होने पर भी अच्छी उपज देने में भी सक्षम है। एक एकड़ खेत की रोपाई के लिए 6 किलोग्राम बीज धान की नर्सरी तैयार करने के लिए काफ़ी होता है। किसान भाइयों, हाइब्रिड धान राजा NPH 369 कम अवधि का मध्यम मोटा धान है। कम अवधि होने के बाद भी अधिक पैदावार देने में भी सक्षम है। कम पानी व ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए एक बढ़िया धान है। जीवाणु जनित झुलसा रोग एवं पत्ती धब्बा रोग के प्रति भी सहनशील है। सूखा झेलने की क्षमता भी रखता है। अच्छे कंपनी का बीज भी है, इसलिए कम अवधि के धान की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए राजा NPH 369 धान के बीज का चुनाव विश्वास के साथ कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।